हैई गाइस हाउ यू ऑल सो आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड आई जस्ट कॉट दिस चूज फ्राम स्टाइलो स्टाइलो एक जगह है पाकिस्तान में जहाँ पे uh, अभी नहीं नहीं आई है स्नीकर्स की कलेक्शन पहले स्टाइलो के पास बहुत प्यारे हील्स होते थे एंड आई वॉज अबसेस विद देयर हीस बट अभी अभी उन्होंने स्निकर्स भी लॉन्च किए हैं और उनके स्निकर्स बड़े ही अच्छे हैं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच स्टाइलो आई एप से लव दी स्निकर्स जस्ट सो क्यूट और मुझे इतने पसंद आए मैं इनके लिए इतनी एक्साइटेड थी और आई वॉज आइक स्टाइलों से कबाएँगे कबाएंगे कबाएंगे आएंगे. मैं हर दफ़ा बाहर देखती थी अच्छा ये मोटरसाइकिल वाला आया स्टाइलों वाला होगा अच्छा इसका मैसेज आया स्टाइलों वाला होगा और मेरी अम्मी बैकग्राउंड में हंस रही हैं तो ये जूते मैंने स्टाइलों से हैं और आप भी उनसे ले सकते हैं तो मैं आपको स्टोरी बताना चाह रही थी कि ये जूते कैसे मेरे पास है और इनकी सैड स्टोरी जिसको देखकर आपका हार्ट वेंच हो जाएगा यू बी लाइक इज सच ए सैड स्टोरी लाइक दिस गर्ल डिन डिजर्व दिस सो स्टोरी टाइम आई यू गाइस रेडी ओके तो क्या हुआ हमारे यहाँ पे जहां हम रहते हैं वहां पे एक मार्केट है हम वहां पर गए और वहां पर स्टाइलो था राइट right, मैं वहाँ पर गई मैंने उनको कहा आप मुझे दिखाइए ये पर्पल जूता थर्टी एट साइज़ में उन्होंने कहा आई एम सॉरी ये थर्टी एट साइज़ में नहीं है ये थर्टी अच्छा एक्चुअली मैंने पहले उनको कहा था थर्टी सेवन साइज़ में दिखाएं राइट right, तब मुझे लग रहा था मेरा जो साइज़ है वो थर्टी सेवन है राइट right, जब मैंने जूता ट्राई किया तो मुझे बहुत टाइट लगा मैंने कहा चले एक साइज़ और बड़ा दिखा दें राइट थर्टी तो उन्होंने कहा ये थर्टी में है ही नहीं एंड आई वॉज सो सैड बिकॉज मुझे पर्पज स्निकर मेरा इस पर दिल आ गया था जब मैंने इसको देखा था तो मैं इतनी सैड थी मैं पूरा वक्त सैड थी फिर मैंने कहा मैं एक पिंक स्निकर ट्राई करने हूँ राइट थर्टी एट साइज़ में उसी वक्त मुझे पता चला मेरा साइज़ थर्टी एट है मैंने एक पहले जूता लिया था उस पर मैंने कहा कि अच्छा ये तो उन्होंने मेरे साथ फ़्रॉड किया मैंने थर्टी सेवन साइज़ मंगवाया था लेकिन जब मैंने वो जूता ट्राई ऑन किया तो मुझे थर्टी एट आया तो मैंने कहा ओ मेरा तो पैर बढ़ गया था तभी वो जूता मुझे आ नहीं रहा था उन कंपनी वालों की तो कोई गलती नहीं है माफ़ करना है अगर आप ये देखें वीडियो और आपको लगे सॉरी सॉरी तो उसके बाद फिर मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने वो पिंक स्नीकर्स ले दे लिया लेकिन मेरा इन पर बहुत दिल आया हुआ था और मैं सैड वापस घर आई कि मुझे वो पर्पल स्नीकर्स नहीं मिल पाए फिर हम एक मॉल गए हमारी आ, कंट्री में एक मॉल है बहुत मशहूर हम वहाँ गए राइट वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैं पहुँची मुझे याद आया कि अच्छा यहाँ पर तो स्टाइलो हो होगा तो मैं जल्दी जल्दी भाग कर, मैंने बाबा को कहा कि Uh, हम लोग स्टाइलो भी चलते हैं मुझे वहाँ से ना जूते लेने हैं राइट मैंने ऐसे कहा कि फ्लैट जूते मुझे चाहिए राइट right. और मैंने कहा कि स्नीकर्स भी मुझे एक पसंद आए हैं तो वो भी मुझे चाहिए तो मैंने मैं गई वहाँ पर राइट right, हम अंदर गए और मैंने उनको कहा मैंने फ़ौरन ही फ्लैट जूते पे मैंने लेने थे मेरा ओरिजिनल प्लान ये था मेन जो प्लान था वो फ्लैट जूते थे मैंने फ़ौरन उनको बोला इन पर्पस स्नीकर्स में थर्टी एट साइज़ दिखाएं उन्होंने दिखाया और मुझे पूरा आ गया राइट फिर बाबा ने कहा कि ये क्या करी हो फ्लैट ट्राई करो तुम जिसके लिए आई थी मैंने वो ट्राई किया लेकिन मेरी आँख कॉन्स्टेंटली उस पर्पज स्नीकर पे थी राइट और मैं इतनी सैड थी क्योंकि मेरे अबू ने नेक्स्ट बात ये बोली उन्होंने कहा कि रमीज़ा ये जूता मैं तुम्हें नहीं दिला रहा मैं जब घर आई मैं तो इतनी दिन के लिए नाराज़ मैंने कहा ये क्या बात हुई मैंने कहा चलो मैं अपने पैसे से वो जूता ले लेती हूँ मैं वेबसाइट पे गई मैंने कहा मैं लेती हूँ और वो आउट ऑफ स्टॉक अब मैं इतनी परेशान इतनी नाराज़ मैंने कहा अगर बाबा वो जूता दिला देते तो मेरे पास आज पर्पल स्निकर्स होते मैं क्या करूँ अब अब मैंने कहा कि कोई और हल देखते हैं मैंने कहा कि पता नहीं कब तक री होगा और जब तक हो तो पता नहीं क्या होगा तो मैंने कहा कि मैं अभी या तो जाकर वापस देख लूँ क्या मैंने कहा सोल्ड आउट ही होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर स्टाइलो कुछ दिनों बाद मतलब दो तीन हफ्तों बाद आई थिंक तीन हफ्तों बाद या चार तो क्या हुआ स्टाइल और लाइफ क्या है मैंने कहा ये लाइफ क्यों जा रहे हैं दे हैव अ न्यू कलेक्शन मैंने कहा हो ये तो इनके पास नई कलेक्शन है तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि इनकी नई कलेक्शन आई होगी मैंने कहा कि लेकिन लाइफ तो शायद वैसे ही जा रहे हो फिर मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ पता नहीं कोई रास्ता ऐसा निकला मैंने फिर देखा और मैंने कहा यस ये पर्पो स्निक री हो गए और मेरा साइज में है थर्टी एट मैं इतनी खुश हो गई मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं कौन मुझे दिलाएगा अपने पैसों से तो मैं लूँगी तो मैं कंगाल हो जाऊँगी तो मैंने कहा अपनी अम्मी के ऊपर जाते हैं तो मैंने अपनी अम्मी को बोला कि मेरी बर्थडे आ रही है तो मुझे अर्ली बर्थडे प्रेजेंट चाहिए और ये पर्पो स्निकर्स और मैंने अपनी अम्मी को कहा कि प्लीज़ मैं फिर बर्थडे पे कुछ नहीं मांगूंगी बस आप यही बर्थडे प्रेजेंट लेते इसके साथ दो हो और दो टी शर्ट्स अभी दो हो और दो टी शर्ट्स भी आएंगी वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे तो अभी फ़िलहाल ये स्नीकर्स हैं तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया एंड देन वी ऑल सेट टू गो एंड फाइनली मैंने ये मंगवाया और फाइनली ये आ गए तो थैंक यू सो मच टाइलो मुझे बहुत क्यूट लगे हैं और इनमें मैं चलकर भी दिखाती हूँ ओके okay, ऐसे दिखते हैं चलकर जी आर पर्पल अगर आप देखेंगे इधर लाइट पर्पल है इधर थोड़ा डार्क है और साइड से थोड़ा पिचिश ब्राउनिश टाइप भी है तो ये स्नीकर्स हैं तो स्टाइलो थैंक यू सो मच मुझे बहुत प्यारे लगे और आप प्लीज और ऐसे जूते स्टॉक करें ताकि मैं लूँ और फिर से ब्राइब करूँ किसी तरह अपने पेरेंट्स को कि ये डील बनाते हैं मैं बहुत सारे डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती हूँ ताकि मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मुझे चाहिए फाइनली ये मिल गया बाय गाइज है गाइस ओके तो आपने अब मेरी यकीन सैड स्टोरीज सुननी होगी और अब आप लोगों को बहुत अफसोस आया होगा लेकिन आपको एंड में हैप्पी एंडिंग मिली होगी नॉट ऑल स्टोरीज हैव हैप्पी एंडिंग जस्ट बाय द बाई दट माइन वन हैवे हैप्पी एंडिंग सो आई एम गोइंग टू बी पोस्टिंग ऑल द फोटोज एंड वीडियोज ऑफ द स्टाइल ऑफ शूज उसके साथ एंड